हेलो दोस्तों, YouTube का अल्गोरिदम इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप समझ लेते हो। YouTube पे काम करने के लिए आपको चार चीजें सीखनी जरूरी होती हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और थंबनेल। अगर ये चार चीज़ों को आप सही से समझ जाते हो तो आप यूट्यूब पर बिना कोई टेंशन के आराम से काम कर सकते हो। और ये सीखने में मुझे कम से कम 6 से 7 महीने लग गए थे, पर कंटिन्यू काम करने के बाद मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। और वही मैं आपको एक 2021 की लेटेस्ट मेथड बताने वाला हूँ जो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है और मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला है और फ़ायदा भी हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो फ़ायदा मुझे मिला है वो फ़ायदा आपको भी मिलना चाहिए। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो। और आज का हम टारगेट रखते हैं लाइक का 1000 लाइक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो आगे जाके होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ मैंने वर्डपेड ओपन कर लिया है और इन चार बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल और टैग। मैं आपको 1-to-1 करके चारों पॉइंट मस्त एकदम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको वीडियो अपलोड करने में मज़ा भी आए और आप SEO का मतलब यानी अल्गोरिदम समझ पाओ। टाइटल की हम बात करते हैं कि आपको हेल्प कंटेंट बनाना चाहिए। हेल्प कंटेंट का मतलब होता है हाउ टू वाले कंटेंट। जैसे कि यहाँ पर आता हूँ और मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू राइट YouTube वीडियो। यहाँ पर देखो लिखा तो ये आ गया हाउ टू राइट YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन। ये होता है हेल्प कंटेंट। इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। टॉप में देखो टेक्निकल योगी सर की वीडियो आ रही है क्योंकि ये वीडियो लोगों को हेल्प कर रही है। तो ये आपका एक बन गया टाइटल, इसी को कहते हैं हेल्प कंटेंट। तो ऑलवेज अब ध्यान रखो कि आपको हेल्प कंटेंट वाले ही वीडियो के लिए टाइटल बनाना है, जैसे कि हाउ टू राइट YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन। ओके, और इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट रख दिया है। और टाइटल लिखना कैसे वो भी मैं बताता हूँ। ये वीडियो मैंने लेकर रखी है। यहाँ पर टाइटल लिखने के लिए YouTube आपको 100 वर्ड तक की मंजूरी देता है कि आप 100 वर्ड तक टाइटल लिख सकते हो, लेकिन YouTube कहता है कि आपको ऑलवेज 70% यानी 70 वर्ड का ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं देखो लंबा कर रहा हूँ, देखो ये 72 हो गए, ठीक है। तो YouTube कहता है अगर आपको अपना कैची और क्लिकेबल टाइटल बनाना है जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए तो 70 वर्ड के अंदर का टाइटल लिखो जिससे लोगों को समझ में आएगा। और आपकी वीडियो ज़्यादा रैंक क्यों हो पाएगी, क्योंकि आपको अपनी वीडियो में मेन पॉइंट रखना है, जो आपका कंटेंट है उसी को सबसे पहले रखना है। तो हमने क्या लिख दिया, सीधी सी बात है हाउ टू राइट YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमारा मेन है, YouTube भी हमारा मेन है, ठीक है। और वीडियो तो आपको पता है हर एक टॉपिक के अंदर आ ही जाता है। तो ये आपका एक बन गया टाइटल। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, यहाँ पर डैश दो लिख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें। देखो अभी भी 64 वर्ड हो रहे हैं, तो कोशिश करो कि आप 70% के अंदर अंदर यानी 70 वर्ड के अंदर अंदर आप टाइटल को लिखो जिससे लोगों को समझ में आ पाए और लोग आपके टाइटल को पढ़ पाए। आसानी से पढ़ेंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएगा, क्योंकि सामने दिखता है वही बिकता है। और YouTube भी कहता है कि आपकी दो चीज़ मेन होती है, एक तो आपका थंबनेल और एक आपका टाइटल। अगर ये दोनों चीज़ अच्छी होगी तो आपका वीडियो वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं, समझ गए। ये आपको करना है, मैं आपको यहाँ पर पूरा ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ। ओके, अब हमको बनानी है डिस्क्रिप्शन। टाइटल के बारे में समझ लिया, अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन में YouTube का अल्गोरिदम कहता है कि आपको 3-4 लाइन आपको अपने टाइटल से मैच होती हुई या आपके कंटेंट से मैचिंग होती हुई आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए, यानी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालने चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं भी पहले ऐसा करता था पर अब मैंने वो करना छोड़ दिया क्योंकि वो इल्लीगल तरीका है, आपको स्ट्राइक भी मिल सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। गूगल ट्रांसलेट में जाओ और यहाँ पर आपको हिंदी में आना और लिखना है आज हम सीखने वाले हैं कि यूट्यूब वीडियो के लिए
डिस्क्रिप्शन कैसे बनाई जाती है या लिखी जाती है। देखो ये हो गया हमारा हिंदी, यहाँ पर मैं हिंदी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको साइड में इंग्लिश ट्रांसलेटर मिल जाता है। इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करो और नीचे आके आपको कर देना है इसको पेस्ट। ओके आपका देखो ये जो कीवर्ड है टाइटल में आ गया कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन में भी आ गया ये कीवर्ड, ठीक है। यूट्यूब भी आ गया, ये यूट्यूब भी आ गया, वीडियो भी आ गया और ये वीडियो भी आ गया। ये आपके जो टाइटल होती है वही टाइटल से मैच होते हुए कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में भी आने चाहिए। ये मैंने आपको बस सिंगल लाइन को मैंने समझने के लिए बताया है। यहाँ से मैं इसको छोटा करता हूँ, देखो मैंने छोटा किया। ऐसे ही आपको तीन लाइन लिखनी है, ये मैंने आपको एक सिंगल लाइन लिखकर समझा दिया। यहाँ पर और भी लिख सकती हो, क्योंकि YouTube पर वीडियो अपलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना आना जरूरी है। देखो ये हो गया, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, डिस्क्रिप्शन लिखना आना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक और लाइन, यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसको सिंपल कर दूंगा पेस्ट। तो देखो दूसरे लाइन में भी आपको डिस्क्रिप्शन वाला कीवर्ड मिल गया, यूट्यूब भी मिल गया और वीडियो भी मिल गया। इसी तरीके से आपको घुमा फिरा कर लिखना है, तीन लाइन लिखो जिससे YouTube का एल्गोरिदम समझता है कि आपकी वीडियो किस टॉपिक पर बनाई गई है। और ये बहुत अच्छा मेथड है, इससे आपकी वीडियो रैंक करती है। आप मेरे वीडियो का अभी रिसेंटली कोई भी वीडियो देख लो, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम वही तरीके से समझ पाता है कि आपका जो टाइटल है उसमें जो कीवर्ड है वही कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में है या नहीं है। ओके डन। अब हम बात करते हैं थंबनेल की। थंबनेल बनाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, देखो इसको मैं YouTube के होम पर जाता हूँ और यहाँ पर आप देखो YouTube का एल्गोरिदम कहता है कि आपको ऑलवेज ऐसे थंबनेल बनाने चाहिए जिस पर आपकी फोटो लगी हो या तो फिर कोई ऐसा कंटेंट आपने बनाया है मेन कंटेंट उसी का फोटो होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो इनका टेक्नोलॉजी चैनल है तो यह स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन के साथ साथ इन्होंने अपना फोटो भी यहाँ साइड में लगाया हुआ है और सारे स्मार्टफोन का फोटो लगाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा क्लिकेबल आपका थंबनेल होगा ना उतनी ही ज़्यादा क्लिक बढ़ेगी और ज़्यादा क्लिक आने से आपका वीडियो होता है वायरल। यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि आपको हमेशा वीडियो जो होता है ना, जैसे कि ये वीडियो है, देखो ये वीडियो के अंदर भी आपको एक क्लिप मिल जाती है, तो एक क्लिप में से आपको निकालकर थंबनेल नहीं बनाना है, आपको अलग से एक फोटो अच्छी क्लियर क्लिक करनी है और उसको बैकग्राउंड कट करके पीछे बैकग्राउंड अच्छा रखना है और अच्छा एकदम थंबनेल बनाना है मस्त। आप देखो ध्रुव राठी भाई का देखो और इनका भी देखो, दोनों का थंबनेल देखो कितना मस्त लग रहा है। इन्होंने भी अपनी फोटो लगाई हुई है और यहाँ पर देखो जो इन्होंने मेन इनका टॉपिक है वही टॉपिक का इन्होंने फोटो भी लगा के रखा है जिससे लोगों को समझ में आना चाहिए, जिससे YouTube का एल्गोरिदम भी समझ पाता है कि ये किस टॉपिक पर वीडियो बनी है और लोग भी समझ पाते हैं। जब सर्च करेंगे उनके सामने ये थंबनेल जाएंगे तो आप खुद सोचो क्या इन थंबनेल को देखकर आप क्लिक करके वीडियो देखना पसंद करोगे या नहीं करोगे, आप खुद बताओ। तो इस तरीके से आपको थंबनेल बनाना चाहिए। अब बात करते हैं मेन लास्ट पॉइंट की कि टैग कैसे लिखना है। देखो टैग का मतलब होता है कीवर्ड, वही कीवर्ड हो गए और वही टैग हो गए। सबसे पहले आपको मेन कीवर्ड पर फोकस रखना है जो आपका टाइटल है, इसी को आपको सिंपल कॉपी करना है और अपने टैग सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देना है। ओके फिर आपको YouTube पर आ जाना है और आपको YouTube के सर्च इंजन में जाओगे ना तो आपको कई सारे यहाँ पर टैग मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो जब आपने ये कीवर्ड सर्च किया तो उसके नीचे आपको हैशटैग मिल गया, डिस्क्रिप्शन राइटिंग, YouTube डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट, ये आपको मिल जाते हैं। तो आप घुमा फिरा के वही कीवर्ड को फोकस करो, जैसे कि मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन। देखो लिखने का सही तरीका ये आ गया, तो ये आपका एक कीवर्ड है। तो इस टैग को भी आप यहां से कॉपी करके अपने टैग सेक्शन में डाल सकते हो। ऐसे आपको कम से कम 10 टैग उठाने हैं, 10 कीवर्ड यहां से उठाने हैं अलग अलग टाइप के और लिखो जिससे लोग आपकी वीडियो को सर्च करके देख पाए।
जब भी कोई ये कीवर्ड को सर्च करेगा, अगर आपने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई होगी तो ऊपर आपकी वीडियो आ जाएगी, जैसे कि टेक्निकल योगी सर की वीडियो आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपने टैग सेक्शन में ये वाला कीवर्ड जरूर डाला होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ये ओपेरा मिनी में है तो शायद यहाँ पर ना दिखे, लेकिन इनके डिस्क्रिप्शन में शायद ये कीवर्ड हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इनके टैग सेक्शन में जरूर होगा, आप एक बार चेक जरूर कर लेना। तो इसी तरीके से आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और टैग बनाना चाहिए, जिससे आपकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पूरा प्रोफेशनल लगेगा और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी समझ पाएगा, यानी एसईओ आपको अच्छी तरीके से करना है, जिससे लोगों को भी पसंद आए और यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ पाए और आपकी वीडियो को रैंक करवाने में मदद कर सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।